हेलो दोस्तों, फिश इन्फो चैनल की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप एक किसान हैं और आपके पास तो हर एक तरह का मछलियां है, इसमें से कातल, सिल्वर और बिगेट मछलियां भी है। और ये सारा मछली में ग्रोथ अगर आपका पॉन्ड में नहीं आ रहा है और ये मछलियां बढ़ नहीं रही है, तो ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारा डिटेल्स बताऊंगा किस तरह से इस मछली को बहुत ही कम खर्चे में आप लोग बड़े कर सकते हैं, इसका ग्रोथ ला सकते हैं, किस तरह से इसको फिश फीडिंग कराना चाहिए, सारा डिटेल्स मैं इस वीडियो में दिखाऊँगा। तो आप लोग वीडियो बिना स्किप किए शुरू से लेकर लास्ट तक अगर देखते हैं तो पूरा जानकारी आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। और आप लोग इसी तरकीब को इस्तेमाल करके अपना फिश पॉन्ड में कातल, सिल्वर या ब्रिगेट मछली को बहुत ही जल्दी ग्रोथ में ला सकते हैं। आप लोगों से एक सवाल अगर किया जाए, आप लोग कातल और सिल्वर मछली के लिए एक्स्ट्रा कौन सा फिश फीड कराते हैं? तो मुझे पता है मैक्सिमम किसान भाई एक ही जवाब देंगे, हम लोग एक्स्ट्रा किसी तरह का फिश फीडिंग नहीं कराते हैं। हम लोग आईएमसी के लिए जिस तरह का खाना देते हैं उसी में ही अपना ये कातल, सिल्वर या बिगेट मछलियाँ बड़ी हो जाती है। तो दोस्तों, मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग ज़्यादा ग्रोथ चाहते हैं तो आप लोगों को एक्स्ट्रा कुछ फिश फीड कराना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये सारा कातल और सिल्वर बिगेट जो मछलियाँ है, ये मछलियाँ फाइटोप्लांकटन जो है वो खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है। और आप लोग हमेशा एक चीज़ को ध्यान दे के देखेंगे तो ये मछलियाँ ऊपर की तरफ आप लोगों को दिख जाएगा, क्योंकि ये मछलियाँ सतह के ऊपर की मछलियाँ है, ऊपर की लेयर में रहना पसंद करती है। और कातल मछलियाँ बहुत ज़्यादा फाइटोप्लांकटन के ऊपर ही भरोसा करती है। फिश पॉन्ड के ऊपर आप लोग अगर देखेंगे तो इस तरह से पानी खींचता हुआ आप लोगों को नज़र आ जाएगा। ये मछलियाँ क्या करती है, यहाँ से फाइटोप्लांकटन को जो है वो खींच के खाना खाती है, और इस कारण ही इस मछली में बहुत ही जल्दी ग्रोथ हो जाता है। तो अपना फिश पॉन्ड में फाइटोप्लांकटन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिश पॉन्ड का जो है कलर जो है उसको हम लोग थोड़ा चेंज करते हैं, थोड़ा हरा बनाते हैं। दोस्तों, हरा बनाने से फाइटोप्लांकटन बनता है, तो वही फाइटोप्लांकटन जो है वो हमारा कातल, सिल्वर या बिगेट मछलियाँ खाना पसंद करती हैं। तो फाइटोप्लांकटन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपना फिश पॉन्ड में खाद का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, हमेशा फिश पॉन्ड में खाद का इस्तेमाल बहुत ही खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये एक तरह का केमिकल ही होता है। तो इसीलिए हमेशा खाद का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कभी कभी करना चाहिए, साल में एक दो बार करते हैं तो ठीक है। अगर ज़्यादा बार बार खाद का इस्तेमाल करते हैं तो आपका अपना फिश पॉन्ड का जो वाटर बॉडी है उसका स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ही घट जाता है, फिर धीरे धीरे अपना मछली में ग्रोथ भी कम होने लगता है। अभी बहुत सारे किसान भाइयों का मन में ये सवाल आ रहा होगा, हम लोग जो आईएमसी के लिए खाना देते हैं उसी में तो मेरा कातल मछलियाँ बड़ी हो जाती है। तो दोस्तों, ये बात सही है, कातल मछलियाँ दो तरह का खाना खा पाती है, एक फाइटोप्लांकटन, दूसरा है दानेदार खाना। तो दो तरह का खाना जो है कातल मछलियाँ खा पाती है, लेकिन वहीं पर जो सिल्वर मछलियाँ है वो इस दानेदार खाने को नहीं खा पाती है। इसका ये रीज़न है कि इसका मुँह के अंदर एक तरह का फिल्टर होता है, तो वो दानेदार खाना को खा नहीं पाती है, वो पानी में घुला हुआ फिश फीडिंग को ही खाती है। आप लोग जब भी अपना फिश पॉन्ड में आईएमसी के लिए खाना देते हैं तो सारा मछलियाँ जो है यहाँ आके खाना खाती है, और यहाँ पे सिल्वर मछलियाँ खाने के इर्द गिर्द घूमती रहती है। सारा मछलियाँ जब खाना खाती है तब कुछ खाना जो है पानी में घुल जाता है, तब ये सिल्वर मछलियाँ क्या करती है, उसमें से खाना को छान के यानी फिल्टर करके अपने भोजन बनाती है। तो ये इस तरह से सिल्वर मछली में थोड़ा सा ग्रोथ कमी हो जाता है, क्योंकि उसके लिए हम लोग कुछ इंतज़ाम नहीं करते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम लोग अभी फिश फीड के ऊपर बात करते हैं, किस तरह से इसको बनाना चाहिए, किस तरह से हम लोग इस कातल और सिल्वर मछली को ग्रोथ में ला सकते हैं। ये फिश फीड तैयार करने के लिए हमें तीन तरह का फिश फीडिंग का ज़रूरत है, एक है सरसों खली, दूसरा होगा राइस ब्रान, और तीसरा है मोलासेस यानी चीटा गुड़ जो हम लोग बोलते हैं। ये तीन तरह का फिश फीड से हम लोग फिश फीड तैयार करेंगे। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, ये इतना कम मात्रा में लगता है आप लोग सोच ही नहीं पाएंगे, इतना कम, बहुत ही कम मात्रा में इसका डोजेस है, और इसी से मछली में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आ जाएगा।
आप लोग सोच ही नहीं पाएंगे, मैं आप लोगों को सारा डोजेस बता देता हूँ। तो दोस्तों पहले हम लोग मोलासेस के ले लेंगे चिटागुर, इसको हम लोग पानी में घोल लेंगे। घोलने के बाद अच्छे से घोलने के बाद हम लोग इसको फिश फीडिंग में इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चिटागुर को ले लिए, इसके बाद हम लोग राइस ब्रान लेंगे। दोस्तों राइस ब्रान थोड़ा सा यूज़ करना चाहिए, आप लोग चाहेंगे तो राइस ब्रान को यूज़ नहीं भी कर सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं थोड़ा सा करूँगा, उसका रीज़न भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। दोस्तों जैसे कि कातल मछलियाँ दो तरह का खाना खा पाती है, एक दानेदार खाना और एक जो है फाइटोप्लांक्टन। तो हम लोग अगर थोड़ा सा राइस ब्रान यूज़ करेंगे इस फिश फीड बनाने के लिए तो उसमें कातल मछली को खाने में बहुत ही ज़्यादा मदद होगा। तो इसको बनाने का डोजेज जो है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोग मोलासेस का यूज़ करना 1%, और आप लोगों को सरसों खली का इस्तेमाल करना है 5%, और थोड़ा सा राइस ब्रान इसमें डाल के मिक्सचर करके इसको यूज़ बना लेना है फिश फीड। अब 5% से बहुत सारे किसान भाइयों का डाउट हो सकता है, टोटल फिश फीड का 5% तो बहुत हो जाता है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग तो IMC का खाना देते ही हैं, ये एक्स्ट्रा जो फिश फीड है उसका 5% जो है वो सिर्फ सिल्वर और कातल मछली के लिए है। यानी अपना फिश पॉन्ड में कातल और सिल्वर मछली मिला के 1 क्विंटल मछली है तो उसके लिए सिर्फ 5 किलो सरसों का खली का इस्तेमाल करना है, इसी से बन जाएगा इसका खाना। बस ये इस तरह से आप लोग 1 महीना अपना फिश पॉन्ड में एक्स्ट्रा फिश फीड कराते हैं तो आप लोग इसका रिजल्ट जो है वो अपना आंखों के सामने ही देख पाएंगे। पहले आप लोग मछली अभी चेक कर लें, फिर आप लोग एक 1 मंथ आप लोग इस फिश फीड को इस्तेमाल करें, इसके बाद इसका रिजल्ट जो है आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सरसों का खली ले रहे हैं, इसको मिक्सचर करके हम मारेंगे, उसको भी दिखा देंगे। तो बीच में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बोल देता हूँ, दोस्तों आप लोग चैनल पे नए हैं, पहले बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का वीडियो हमेशा मैं लाता रहता हूँ तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और बेल को भी ऑल में सेट कर देना, क्योंकि मैं भी जब भी वीडियो आप लोग डालूँगा तभी आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो बन गया अपना फिश फीड का सारा डोजेस, अभी हम लोग इसको यूज़ करेंगे। देखिए अलग अलग फिश पॉन्ड में हम लोग यूज़ करते हैं और हर दिन इस चीज़ को करते हैं। आप लोग चैनल पे बहुत दिन से हैं तो आप लोग देखे होंगे IMC के लिए हम लोग खाना देते हैं, उसके साथ एक्स्ट्रा जो अभी फिश फीड दिया जा रहा है, और ये कातल और सिल्वर मछली के लिए दिया जाता है। हर रोज़ हम लोग इसको देते हैं अपना फिश पॉन्ड में, और यहाँ पर देख रहे हैं कातल मछलियाँ किस तरह से पानी से फाइटोप्लांक्टन खा रही है, और मछली में काफ़ी ग्रोथ भी है, मछली का बॉडी भी ठीक है, उसका बॉडी वेट की भी ठीक है। तो इस चीज़ से आप लोग बहुत ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं, अपना फिश पॉन्ड में इसको इस्तेमाल करें और आप लोग भी इससे फ़ायदा लें, अपना फिश पॉन्ड में सिल्वर कातल मछली का बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगा। और एक चीज़ जो होगा वो है वाटर बॉडी का कलर, आप लोग हमेशा इसको यूज़ करें तो आप लोगों को किसी तरह का खाद का ज़रूरत नहीं है, अपना फिश पॉन्ड का जो पानी है वो हमेशा ही हरा कलर का रहेगा। तो लोग ज़्यादा परेशान रहते हैं, दादा मेरा फिश पॉन्ड में पानी का कलर काला हो गया, लाल हो गया, हरा नहीं होता है। तो जो हरा बनने का एक सीक्रेट टिक्स है ना दोस्तों, यही है। आप लोग हमेशा इस तरह से सरसों खली, राइस ब्रान या और थोड़ा सा मोलासेस का इस्तेमाल करें, अपना फिश पॉन्ड भी ठीक रहेगा, पानी का कलर जो हमेशा बना रहेगा, उसमें फाइटोप्लांक्टन जो है हमेशा ही बनता रहेगा, फिर मछलियाँ खाएगी, फिर आप लोग खाना मारेंगे, फिर बन जाएगा, फिर मछलियाँ खाएगी, तो मछली में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आ जाएगा। तो देखते रहिए वीडियो, और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और लाइक करिएगा, शेयर करके ज़्यादा लोगों को देखने का मौका कर देना। तो आप लोग वीडियो देखते रहिए किस तरह से इसको खाना दिया जा रहा है, और तब तक के लिए मैं सुब्रत चौहान आप लोगों से विदा लेता हूँ।